कैसा गया? बढ़िया गया। कौन सा सेक्शन टफ लगा? पलटते जाओ। पूरी पढ़ रखी थी इसलिए मुझे बहुत इजी सब्जेक्ट। टाइम से हो गया था? हाँ टाइम से हो गया था। अच्छा ये बताइए पेपर में आप कितने मार्क्स ले आएंगे? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत सारा स्वागत है। आइए आज जानते बच्चों पेपर कैसा गया। क्या नाम है आपका? अच्युत सिंह। कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया गया। कुछ टफ सेक्शन? हाँ कुछ टफ लगा हो पेपर में? नहीं, मुझे क्योंकि SST मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे ज़्यादातर सारे क्वेश्चन आते थे SST में। अच्छा। इसलिए मुझे कुछ टफ नहीं लगा ज़्यादा। सिविक्स में कैसा आया था? सिविक्स में मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जो डेमोक्रेसी बहुत इजी थी मेरे मतलब NCERT मैंने पूरी पढ़ रखी थी इसलिए मुझे बहुत इजी सब्जेक्ट। टाइम से हो गया था? हाँ टाइम से हो गया था। अच्छा ये बताइए पेपर में आप कितने मार्क्स ले आएंगे? हम बता नहीं सकते क्योंकि अगर एक्सप्रेशन से ख़राब हो गया तो दुख होगा और अच्छा हो गया तो अच्छा ही रहेगा। फिर भी एक अंदाज़ा तो होगा ना? नहीं देंगे। 70+, 60+? हाँ 70+ तो श्योर है। प्लस तो श्योर है। हाँ चलिए अच्छा, और अब नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है? मैथ्स। मैथ्स उसकी क्या तैयारी है? मैथ्स मैन मतलब थोड़ी वीक है मेरी, लेकिन तभी भी मैं तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा आपकी आपका परसेंटेज कितना बनेगा CBSE में? मेरा मतलब मेरा एम है कि 90 अबव जाए, और लेकिन अगर कहते हैं 89 तक रहा तो भी ठीक है। अरे धन्यवाद। क्या नाम है? उत्कर्ष त्रिवेदी। कैसा गया? बढ़िया गया। कौन सा सेक्शन टफ लगा? सेक्शन जो ऑप्शनल वाला ज़्यादा टफ था। टिक द करेक्ट। इसमें सिविक्स में, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में कौन सा कठिन लगता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री कठिन लगती है। कितने मार्क्स आ जाएंगे? 60+ आ जाएंगे। टाइम से हुआ था? हाँ आधे घंटे पहले हो गया जी। अब नेक्स्ट किस चीज़ का है? मैथ्स का। उसके लिए क्या प्रिपरेशन? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं अभी। कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया अभी। पास नहीं होना है बस ना। पास हो जाएंगे? पास नहीं होना है बस ना। पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो रिव्यू था वो मुझे आज तक का सबसे बढ़िया रिव्यू लगा, और भी रिव्यू बहुत अच्छे थे। मतलब उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे से रिव्यू दिया था और काफ़ी अच्छा कंटेंट था, लेकिन आज का काफ़ी अच्छा था क्योंकि जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं पेपर को लेकर उनके अंदर डर नहीं होता। जैसे होता नहीं कि पेपर का जो फियर होता है उससे पेपर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता, तो वो उनके अंदर नहीं था। वो पेपर को मतलब एक तरीके से कहिए कि खुशी से पेपर ले रहे थे। अगर अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छा हुआ तो अच्छा ही चीज़ है, खराब हुआ तो उसको ऐसा नहीं कि उसके दुख में डूबे बैठे रहे या अगला पेपर खराब कर दे या फिर दुनिया में बोल चाली ना। कैसे होता नहीं कि एकदम डिप्रेशन में चल जाता, तो वो सब नहीं था। वो उसको ठीक है, गलत किया, खराब किया, जो भी था उसको देख के आगे का अपना प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन बच्चों ने रिव्यू का जो देने का तरीका था काफी अच्छा था। हमें आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिस तरह से उन्होंने दिया। हमने पूछा मैथ पेपर की क्या तैयारी है, तो उससे सीधा बोल दिया, मतलब कोई ये नहीं कि घुमा के या अभी करेंगे वो करेंगे, सीधा बोले कोई तैयारी नहीं है। तो अच्छा लगता है ऐसा स्प्रिट जो होता है। हाँ बस ये है कि बच्चे इसको जो है ऐसा नहीं कि इसको अपनी आदत बना ले या जो है मतलब कभी कोई तैयारी ना करें, बिना तैयारी करे कहाँ कोई पेपर ऐसा जाएगा। तो बच्चों ये आप लोग बोलने का अलग चीज़ होता है, लेकिन उसको अपनी रियल लाइफ में प्रिपरेशन करिए पेपर के अच्छे से क्योंकि मार्क्स ही सब कुछ होता है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। बोलना और वीडियो एक अलग बात होती है, लेकिन ओरिजिनलिटी जो आपने लिखा है पेपर में वो आप ही जानते हो, इसलिए अच्छे से तैयार करना। और बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, जितने बच्चे आज तक हमें रिव्यू देते आ रहे हैं आगे देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी साफ सभी को कह दे रहे हैं, और क्लास 10th 12th दोनों लोग को हमारी तरफ सभी से ऑल द बेस्ट। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना अच्छा रिव्यू दिया, धन्यवाद।